हर दिन कुछ नया करने और कुछ अनोखी खोज के इच्छुक लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए आज का दिन बहुत खास है। आज से ठीक 91 साल पहले 18 फरवरी 1930 को ऐसे ही एक जिज्ञासु अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टॉमोबा ने एक बौने ग्रह की खोज की थी। पहले इसे ग्रह मान लिया गया था, लेकिन बाद में इसे ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया गया। इस ग्रह का नाम रखने के लिए कुछ सुझाव मांगे गए तो 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की ने इसे प्लूटो नाम दिया। हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। उसका कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। 2006 में खगोलीय संरचनाओं को नाम देने वाले ग्रुप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU की मीटिंग हुई और इसमें तय हुआ कि किसे ग्रह कहा जाए और किसे नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि प्लूटो बहुत छोटा है, हमारे चांद से भी बहुत छोटा, इसलिए इसे ग्रह नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लूटो पर खोज रुक गई है। अब भी कई वैज्ञानिक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लूटो ग्रह और बौना ग्रह नहीं है। हाल ही में साइंटिफिक जर्नल इकोरस में एक रिसर्च पब्लिश हुई। इसमें कहा गया कि प्लूटो को ग्रह से डाउनग्रेड नहीं किया जाना चाहिए था। हर कुछ दिनों में कोई ना कोई बयान या स्टडीज आ ही जाती हैं जो ये कहती हैं कि प्लूटो को फिर से ग्रह घोषित किया जाए। एरिजोना की जिस लॉवेल ऑब्जर्वेटरी में क्लाइड टॉमबॉग ने इस ग्रह को खोज निकाला था, उसने तो इस साल भी 13 से 18 फरवरी तक प्लूटो फेस्टिवल मनाया। इसमें वर्चुअल एक्टिविटीज और कई एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों ने दोहराया कि प्लूटो को फिर ग्रह घोषित करने का वक्त आ गया है। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।